बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने अभिनेताओं में से एक सुनील शेट्टी को लेकर अक्सर चर्चाओं का केंद्र बना ही रहता है। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सुनील शेट्टी ने अपने शानदार फिल्मी सफर के दौरान कई सारी सुपर डुपर हिट फिल्में भी दी हैं। 1992 में आई फिल्म बलवान के जरिए इन्होंने इंडस्ट्री में अपना पहला कदम रखा था और ठीक इस फिल्म को करने के बाद वो रातों रात स्टार बन गए थे। फिल्म के हिट हो जाने के बाद तमाम निर्माता व निर्देशक एक्शन से लवरेज फिल्में करना चाहते थे और सभी लोग सुनील शेट्टी को ही अपनी फिल्मों में कास्ट करना चाहते थे। तभी तो 90s के दौर में सुनील शेट्टी की बाकी सुपरस्टारों के साथ एक्शन से लवरेज फिल्में आईं, जिन फिल्मों को देखने के बाद हर कोई उनका दीवाना हो गया। धीरे धीरे सुनील शेट्टी के सक्सेस का ग्राफ बढ़ ही रहा था और उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपना महत्वपूर्ण योगदान भी दिया। उसी दौरान सुनील शेट्टी को लेकर एक बात भी काफी ज्यादा मशहूर थी कि वो दरिया दिल इंसान थे। हमेशा से ही लोगों की मदद वो करते ही रहते थे, चाहे इंडस्ट्री से जुड़ा छोटा बड़ा कलाकार हो या फिर कोई और शख्स। हमेशा से ही सुनील शेट्टी लोगों की मदद करने के लिए आगे आते ही रहते थे और इंडस्ट्री में तभी तो उन्हें अन्ना यानी बड़े भाई के नाम से पुकारा जाने लगा। सुनील शेट्टी ने फिल्म इंडस्ट्री में बहुत नाम कमाया और धीरे धीरे वो एक अच्छे सुपरस्टार होने के नाते नाते वो अच्छे प्रोड्यूसर भी बन गए। फिर उन्होंने फिल्म मेकिंग में भी अपना हाथ आजमाया और यहाँ पर भी उन्होंने सफलता हासिल की। दरअसल फिल्मों में आने से पहले सुनील शेट्टी एक अच्छे बिजनेसमैन रह चुके थे और बिजनेस कैसे किया जाता था ये उन्हें पहले ही पता था और उन्होंने कभी भी घाटे का सौदा नहीं किया। धीरे धीरे समय बीता और उस दौरान फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े एक कलाकार ने सुनील शेट्टी से मदद मांगी और ये शख्स था विवेक ओबराय। ये सन 2007 के आसपास की बात है और उस दौरान विवेक ओबराय और सलमान खान के बीच में तकरार बढ़ती ही जा रही थी। कहा तो यूं गया कि सलमान खान की वजह से विवेक ओबराय को फिल्म इंडस्ट्री में काम मिलना भी बंद हो गया था, जिसके चलते उनका करियर का ग्राफ काफी तेजी से नीचे आ रहा था। विवेक ओबराय ने जब फिल्म इंडस्ट्री में अपना कदम रखा था तो वो काफी ज्यादा लाइमलाइट में बने हुए थे, लेकिन ऐश्वर्या राय के प्यार में पड़कर उन्होंने अपने खुद के ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली और सलमान खान की नाराजगी ने उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा। विवेक ओबराय को कुछ भी नहीं समझ आ रहा था और धीरे धीरे उन्हें फिल्में मिलना बंद हो गई थी। तब वो सुनील शेट्टी के पास आए। थक हारकर उन्होंने सुनील शेट्टी से गुजारिश की कि वो किसी न किसी फिल्म में मुझे कास्ट करवाएं। अगर मैंने एक आधे साल में फिल्में नहीं की तो मैं बिल्कुल भी बर्बाद हो जाऊंगा। सुनील शेट्टी यहाँ पर उनकी मदद करने के लिए तैयार हो गए, बावजूद इसके सलमान खान के साथ उनकी अच्छी खासी दोस्ती भी थी। इस बात की बिना परवाह किए उन्होंने विवेक ओबराय की मदद करने के लिए ठान ली। अब यहाँ पर हुआ यूं कि सुनील शेट्टी के सबसे करीबी कहलाए जाने वाले संजय गुप्ता के साथ एक फिल्म की कहानी सुनने के लिए गए हुए थे। सुनील शेट्टी यहाँ पर बैठकर संजय गुप्ता के साथ फिल्म का नरेशन सुन रहे थे। संजय गुप्ता को पता था कि इस फिल्म में सुनील शेट्टी जरूर विवेक ओबराय को लेंगे और फिल्म के स्क्रिप्ट के हिसाब से ये अच्छा सौदा नहीं होने वाला है, क्योंकि संजय गुप्ता सुनील शेट्टी के साथ कांटे और शूट एट लोखंडवाला जैसी फिल्मों में काम कर चुके थे। फिल्म मेकिंग का उन्हें अच्छा खासा अनुभव था। तभी तो वो फिल्म के नरेशन सुनने के बीच में ही उन्होंने कह दिया कि इस फिल्म को आप मत बनाओ, क्योंकि फिल्म की नरेशन कुछ खास नहीं है, साथ ही फिल्म की कास्टिंग भी कुछ दमदार नहीं लग रही है, आपको घाटा हो सकता है। अब संजय गुप्ता सुनील शेट्टी के बहुत ज्यादा करीबी थे, लेकिन संजय गुप्ता की ये बात सुनील शेट्टी को बिल्कुल भी नागवारा गुजरी। सुनील शेट्टी भी समझ गए कि संजय गुप्ता किसको टारगेट कर रहे हैं। फिल्म की नरेशन भले ही ठीक ठाक ना हो, लेकिन उन्हें फिल्म की कास्टिंग से दिक्कत थी। फिल्म मेकिंग का उन्हें अच्छा खासा अनुभव था, लेकिन फिल्म की कास्टिंग के हिसाब से विवेक ओबराय इस फिल्म के लिए बिल्कुल भी फिट नहीं बैठ रहे थे। लेकिन उधर सुनील शेट्टी ने यह वादा किया था कि उन्हें जरूर किसी न किसी फिल्म में काम दिलाएंगे और सुनील शेट्टी अपने वादे के पक्के भी थे। उन्होंने ऐसा ही किया। संजय गुप्ता को उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि भले ही तुम्हें फिल्म मेकिंग का अच्छा खासा अनुभव हो, लेकिन बिजनेस कैसे किया जाता है ये मैं तुम्हें बताऊंगा। इसके साथ ही सुनील शेट्टी ने संजय गुप्ता को ये भी कहा था कि अगर आपको फिल्म की नरेशन और कास्टिंग से दिक्कत है तो आप मुझे अकेले में भी कह सकते थे, सरे आम ये कहने की क्या जरूरत थी। सुनील शेट्टी को ये बात नागवारा गुजरी और उन्होंने फिल्म मेकिंग को लेकर कोई ज्यादा फेरबदल नहीं किया। सुनील शेट्टी को अपने ऊपर भरोसा था और इस भरोसे के दम पर उन्होंने विवेक ओबराय को अपनी फिल्म में कास्ट किया। फिल्म थी मिशन इस्तांबुल, जिस फिल्म में सुनील शेट्टी भी नजर आए थे। फिल्म के मुख्य कलाकार थे विवेक ओबराय, श्रेया शरण, जयद खान, समीर आलूवालिया। अब संजय गुप्ता ने इस बात की तरफ संकेत दिया था कि आप भले ही इस फिल्म को बनाने के लिए तैयार हो जाएं, लेकिन आपको प्रोड्यूसर और ना ही डिस्ट्रीब्यूटर मिलेंगे। लेकिन संजय गुप्ता के इस वाक्य को सुनील शेट्टी ने पलट के रख दिया। बाद में इस प्रोजेक्ट के साथ एकता कपूर और समीर बॉक्सवाला जैसे बड़े नाम जुड़े और उन्होंने सुनील शेट्टी के साथ मिलकर इस फिल्म को प्रोड्यूस किया। भले इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जैसा मर्जी हो, लेकिन विवेक ओबराय की खातिर उन्होंने इतना बड़ा
दांव खेल दिया। तभी तो फिल्म इंडस्ट्री में सुनील शेट्टी को अन्ना कहा जाता है, अन्ना यानी बड़ा भाई, और उन्होंने बड़े भाई का फर्ज भी बखूबी निभाया भी था। 2008 में रिलीज हुई यह फिल्म कुछ खास कमाल तो नहीं कर पाई, लेकिन अन्ना अपनी जुबान पर कायम रहे। मौजूदा दौर में अगर सुनील शेट्टी के वर्क फ्रंट की तरफ नजर डालें, तो उनकी 2021 में मुंबई सागर रिलीज हुई थी। भले ही इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर कुछ खास फर्क ना पड़ा हो, लेकिन एक लंबे समय के बाद सुनील शेट्टी को बड़े पर्दे पर फैंस ने देखा था। इसके बाद वो कई सारी फिल्मों को लेकर इन दोनों चर्चाओं में है। फिलहाल कोरोना पैंडेमिक की वजह से उनके आने वाले प्रोजेक्ट पर देरी हो सकती है, लेकिन फिर भी सुनील शेट्टी के चाहने वाले उनकी एक झलक पाने के लिए काफी ज्यादा बेसब्र रहते हैं।